बसमरमानीम अलैक्म डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर वन के एम सी क्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था आज के लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर को कॉन्टीन्यू करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर ट्वेंटी थ्री से पेज नंबर ट्वेंटी थ्री पर सबसे पहले एक साइड ब्लॉक है डू यू नो ये साइड ब्लॉक आप कंप्लीट करेंगे एम सी क्यू के लिए इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको एम सी क्यूज के तौर पर पूछी जा सकती हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 1.9 पॉइंट नाइन पे कंपेयर द एल्गोरिदम नाइन प्रेजेंटेड इन सेक्शन 1.3.4 पॉइंट थ्री पॉइंट फोर वन एंड ट्राई टू फाइंड विच वन इज एफिशेंट नोट दैट बोथ आर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन इज यूम टू वैल्यूज फॉर एन वन एंड एन टू एंड स्टार्ट काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स यूज इन बोथ एल्गोदम्स यहाँ पर एल्गोरिदम भी गिवन है आपने इस एल्गोरिदम की हेल्प से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड अ फ्लो चार्ट ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है

तो आप इसमें ये फोर पॉइंट्स लिखेंगे ईजी टू ड्रॉ ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट सबसे पहला डिसएडवांटेज है मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट सेकेंड है मॉडिफाइंग फ्लो चार्ट इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इट इज नॉट suitable फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स उसके बाद नेक्स्ट short क्वेश्चन पे आते हैं राइट advantages ऑफ एन algorithm. ये तीन पॉइंट्स आप करेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट है easy टू राइट टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड लास्ट है टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल अब इस पॉइंट में से आपको कुछ एम भी आ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल एक और एम सी क्यू है इस पेज पर फ्लो चार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम सबसे पहला पॉइंट है मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर इज नॉट वेरी इजी यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स अब इस पॉइंट में से एम सी क्यू भी बन सकता है यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है टेस्ट डेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है वट इज़ टेस्ट डेटा या फिर डिफाइन टेस्ट डेटा तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम से लेकर टेस्ट डाटा तक उसके बाद इसकी इग्जाम्पल है एग्जाम्पल भी आप कंप्लीट करेंगे यहाँ तक इसकी इग्जैम्पल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी आपने इसकी डेफिनेशन भी करनी है और साथ में एग्जैम्पल भी कंप्लीट करनी है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग तो इसमें आप ये पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे जो सेकंड पैराग्राफ है वो इसकी एग्जांपल है नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है डू यू नो ये ब्लॉग आपको एम सी यू के तौर पर आ सकता है द स्पेस शटल चैलेंजर एस टी एस फाइव वन एल स्पेसाइट एंडेड इन अ ट्रेजिडी ऑन जैन ट्वेंटी एट नाइनटीन एटी सिक्स ओनली सेवेंटी थ्री आफ्टर लिफ्ट ऑफ तो आपको इसमें ये जो डेट्स हैं और ये जो टाइम है सेकंड्स में ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये आपको एम के तौर पर पूछा जा सकता है नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा तो इसमें आप ये टॉपिक कम्प्लीट करेंगे ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तो अब हम देखते हैं डेटा की डिफरेंट टाइप्स टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा इंक्लूड सबसे पहली टाइप है वैलिड टेस्ट डेटा ये आप कंप्लीट करेंगे इसमें से आपको एक एमसीक्यू भी आ सकता है इफ़ एन एल्गोरिदम इज पोस्ड टू टेक अन्यमेरिक वैल्यू बिटवीन वन एंड हंड्रेड एज इनपुट देन एनी वैल्यू बिटवीन वन एंड हंड्रेड इज अ वैलिड टेस्ट डाटा तो इसमें से आपको एम सी क्यू पूछा जा सकता है उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं इन वैलिड टेस्ट डाटा ये भी आप कंप्लीट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इट इज़ द डेटा से लेकर इम्प्रूव तक कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज़ ये भी आप कंप्लीट करेंगे आ सोल्यूशन से लेकर हीउंट तक इसमें से एम सी क्यू बन सकता है आ सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़ नेक्स्ट देखते हैं wrong data formats ये भी आप कंप्लीट करेंगे इट इज वाइज टू चेक से लेकर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड तक नेक्स्ट है एब्सेंट डाटा ये भी आप कंप्लीट करेंगे इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक ये सब टाइप्स जो हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती हैं और ये इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है वट इज़ बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ या फिर डिफाइन बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ वट इज़ रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स वट इज़ एबसेंट डाटा एक्सेट्रा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिफिकेशन के बारे में सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है जो कि स्टार्ट होगी वेरिफिकेशन से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलिडेशन वैलिडेशन की जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट होगी वैलिडेशन मीन्स से लेकर इस करेक्ट और नॉट उसके बाद यहाँ पर इसकी एग्ज़ैम्पल है ये एग्ज़ेम्पल भी आप कंप्लीट करेंगे टेस्ट डेटा तक उसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन की एक एग्ज़ैम्पल है ये भी आपने कंप्लीट करनी है ठीक है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर वन को कंटिन्यू करेंगे और जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट एम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़